एवरीवन वेलकम बैक। मैं सुन गुप्ता और इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है, यहाँ पर जो है कि पीएचडी के लिए 614 सीटें आई हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है कि 614 सीटें आई हुई हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मोटा मोटा जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितने भी मतलब एफिलेटेड कॉलेज हैं उनको मिला करके जो है सीटें आई हुई हैं, टोटल 614 हैं। यहाँ पर आप सीटों की संख्या देख सकते हैं। यहाँ पर जो है कि जो एंशियन हिस्ट्री है, मतलब आर्कियोलॉजी शायद वही है, ठीक है, उसमें टोटल 30 सीटें आई हुई हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट में भी आप देख सकते हैं बहुत सारी सीटें आई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी कुछ कहानी है, अगर आप नेट जा रहे हैं तब भी इनका जो है कि जो क्रेट का एग्ज़ाम है यहाँ पर आप सीधे पढ़ सकते हैं। ये कह रहे हैं कि नेट GRF अभ्यर्थियों के लिए क्रेट के लेवल 1 और 2 में शामिल होना अनिवार्य है। मतलब इनका जो एग्ज़ाम होता है वो क्रेट का होता है, उसमें जो है कि अगर आप नेट जा रहे हैं तब भी आपको छूट नहीं मिला है, मतलब आपको इनका एग्ज़ाम देना ही होगा। यहाँ पे जो इनका फ़ी है वो देख लीजिए आप, 1600 रुपये अगर आप EWS या OBC से हैं। अगर आप जो है कि SC ST कैटेगरी में आते हैं या आप जो है कि दिव्यांग है तो आपको 800 रुपीज़ जो है कि फ़ी पे करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है कि एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन दिया गया है कि 300 अंकों की होगी क्रेट लेवल 1 की परीक्षा। क्रेट लेवल 1 की परीक्षा में 300 अंकों की होगी। भाग 1 में 50 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 25 प्रश्न शोध पद्धति और 25 प्रश्न विषय पर आधारित होंगे। भाग 2 में कुल 200 अंकों की 13 प्रश्नों की लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इज इट क्लियर? तो ये रहा पूरा कहानी। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको जो है कि यहाँ पर जो है आपको जाकर के अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ वेबसाइट दिया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दिए गए हैं कि किस तरीके से जो है कि किस किस कॉलेज में कितने कितने सीटें हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर अप्लाई करना हो तो कर लीजिए, बहुत सारी सीटें आई हुई हैं और इस बार अगर आप देते हैं अच्छे से तो होने की संभावना पूरी है। बात समझ रहे हैं?